بسم الله الرحمن الرحيم. हम अभी अमल शुरू करते हैं. एक मरतबा दोबारा पढ़ते हैं सूरह कौसर, खुशनुदी सैयदा के लिए. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَاصْطَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. कल बात पढ़ ले मोहम्मद वाले. तो शहजादी के कौनैन के नामे गिरामी से सूरह कौसर, और सूरह कौसर के कल हमने इशारा किया कौसर के 14 मानी की तरफ. जबकि साहिब मीज़ान, तफसीर मीज़ान लिखने वाले आगा तबातबाई ने इस बाब में 26 मानी लिखे. 26 में से 25 मानी इसमें सूट क्यों नहीं करते? कौसर को हम क्यों कहते हैं? इससे मुराद सैयदा की ज़ात है. इसलिए कहते कि सूरह कौसर मुकम्मल हो सकता नहीं जब तक कि तीसरी आयत में पढ़ दी जाए. अब मैं तर्जुमा करता हूं अपनी खिदमत में. तर्जुमा कल भी किया था, आज कुछ करता हूं बदल के. ये इन्ना के साथ लगा हुआ अलिफ है. इन्ना अलिफ के बगैर होता बात और होती, अलिफ के साथ है तो बात और है. अलिफ के बगैर कहाँ पर है? इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, वहाँ इन्ना है मगर अलिफ नहीं है. इसमें अलिफ साथ में लगा हुआ है. तो असलन ये अलिफ अलामत है कि यहाँ पर इन्ना का इस्म मुतकल्लिम माल गैर की शक्ल में मौजूद है. बेशक के हम, इन्ना का मतलब अलिफ के साथ, बेशक के हम. आतैना कल कौसर, यह पूरा जुमला इस इन्ना की खबर बन रहा है. आतैना फेल और फाइल, इसके दो मफूल हैं. एक खत्मी ये मर्तबत मुराद, एक से कौसर फातिमा जहरा मुराद. गोया खुदा मखसूस तौर पर मुतकल्लिम माल गैर का सीगा इस्तेमाल करते हुए मुखातिब मुफरत मुजक्कर पैगंबर की जात को मुराद लेता है. का आतैना का अल कौसर, मैंने इसको अलग अलग कर दिया. आतैना का अल कौसर, तो काफ से मुराद पैगंबर. हमने, अच्छा एक लफ्ज आता है आतैना, अलिफ ते ये वमा आता कुमुर रसूल व खुजूहू सूरह अल हशर, जो तुम्हें पैगंबर दे वो ले लो. तो आता कुम, आता माने देना और आता माने अता करना, दोनों में क्या फ़र्क है? क़िबला, कभी कभी ऐसा होता है ना, जब भी कुछ लोग बहुत मोहब्बत से मिलते हैं तो कहते हैं मौलवी साहब ज़रा साथ में तस्वीर हो जाए. अच्छा तस्वीर के मसले पर कभी कभी ऐसा होता है, वो किसी से कहते हैं क़िबला ये ज़रा मोबाइल थामिएगा हमारा, एक निकालने फ़ोटोग्राफ हमारा. तो ये आता है, मोबाइल दिया नहीं है, ये पकड़ाया है. दिया नहीं है, तोहफा नहीं है, आपको इस्तेमाल करना शरण जायज़ नहीं है. इतना इस्तेमाल करेंगे जितना आपको परमिशन मिली है. तो ये आता है, आता नहीं है. और अगर किसी को मोबाइल आपने दे दिया, भाई ये आपके लिए है, अब ये आता नहीं है, आता है. खुदा नहीं कहता इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर सिर्फ दिया है, आता नहीं किया है. क्या मतलब? जब वापस करना हो तो आता इस्तेमाल होता है, और जब वापस ना करना हो तो आता इस्तेमाल होता है. खुदा कहता है हमने आपको कौसर बख्श दिया. अपने इजहार कुदरत और तवानाई के साथ खुदा कहता है हमने आपको कौसर बख्श दिया. आप कौन? खत्मी ये मर्तबत. कौसर कौन? फातिमा जहरा. बख्श दिया अल कौसर. अब आपको चाहिए फसल रब्बी का वनहर, अब आपको चाहिए अपने रब की बारगाह में क्या करें? नमाज पढ़ें. सल्ले के तीन तर्जुमे हैं.
सल्ली का मतलब दुरूद भी है, सल्ली का मतलब दुआ भी है, और सल्ली का मतलब नमाज भी है। अब जो तर्जुमा चाहे आप समझिए, फसल्ली रब्बिका, बस आप अपने रब की बारगाह में दुआ कीजिए, आप अपने रब की बारगाह में दुरूद पढ़िए, आप अपने रब की बारगाह में नमाज पढ़िए। पता चला जब खुदा कोई नेमत बड़ी अता करता है तो कम से कम शुक्राने की नमाज तो होनी चाहिए, या दुरूद बर जाते फातिमा हो, या दुआ बराए औलादे फातिमा हो, या फिर शुक्राना खुदा अताए फातिमा के बाद हो खत्म ये मर्तबत के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फसल्ली रब्बिका, अपने रब के लिए। तो पैगंबर नमाज नहीं पढ़ते थे क्या? फिर क्यों कहा गया फसल्ली रब्बिका, क्यों कहा गया फिर? नमाज तो पढ़ते थे, का वो नमाज और थी, ये कौसर के बाद की नमाज है। तो कौसर के बाद की नमाज में शुक्र खुदा तो होगा ना कौसर की अता पर। फसल्ली रब्बिका वनहर। अब ये वनहर क्या है? वनहर का आसान तर्जुमा है, ऊंट को ज़िबा करने के तरीके शरीयत को नहर कहते हैं। नहर कहते हैं असलन ऊंट के उस गढ़े को जो शक्ल कलादा में उसके सीने से मिला हुआ होता है। इसको अभी हम अपने अगर महसूस करें यहाँ पर, तो ये सुराख है, जो गढ़ा बना हुआ है, ये हलक के नीचे ये सीने से मिला हुआ, ये है नरखरा, या ये वो सुराख है जिसको नहर कह सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल किया वनहर। अलबत्ता जिब्राइल अमीन अल्लाह के रसूल की बारगाह में थे, पूछा अल्लाह के हबीब ने, अखी जिब्राइल वमा हिया नुहरा, ये तो बताओ भाई जिब्राइल ये नुहरा क्या होता है? जिब्राइल कहते हैं या रसूलल्लाह, हम फरिश्तों की नमाज जो है उसमें नुहरा है रफ़उल यदैन, दोनों हाथों का उठाना नुहरा है। फसल्ली रब्बिका वनहर, हबीब अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और दोनों हाथों को उठाकर तकबीर कहो। यह तफसीर, तफसीर आले मोहम्मद के लिहाज से मैंने आपकी खिदमत में इशारा किया, मुकम्मल नहीं है, इशारा किया सिर्फ, क्योंकि इसके बगैर वो आखिरी आयत मुकम्मल नहीं होती। अब कौसर के जितने मानी हैं सबको रख के देखेंगे, मगर आखिरी आयत किसके साथ मैच करती है? इन्ना, इसमें अलिफ नहीं है, इन्ना अलिफ के बगैर है, बेशक बतहकीक शान अशान हुआ अलबुग्ज, शान का मतलब बुग्ज है। बहुत गौर कीजिए, कभी शान किसी और माने में आती है? आपके रब की क्या शान है यह और माना में है। शान हमजा दरमियान में है और जरा सा उसका पढ़ने का अंदाज उस शान से मुख्तलिफ है। आपका दुश्मन, आपका बोक्स रखने वाला, इसमें कोई शक नहीं, शान का आपका, काफ से मुराद खत्म ये मर्तबत, आपका जो बोक्स रखने वाला है शान अक, हुवल अबतर, हुआ और अबतर दोनों मिलाकर जुमला मुकम्मल कर रहे हैं। ये हुआ से मुराद कौन है कल आपने सुन लिया, अल अबतर। अब अबतर के जो माना है वो क्या है? अबतर निकला है अल बतरा से, अल बातिल से, अल या बतरा से, और इसलिए तलवार को कहते थे असैफुल बातिर, वो तलवार जो काट देती हो, काटने वाली तलवार को बातिर कहते हैं। तो अबतर का मतलब जिसका कटा हुआ हो, नसब कट जाए, जिक्र कट जाए, नाम कट जाए, हुवल अबतर। और इस जुमले को आपने बहुत सुना होगा सलात अल बतरा के हवाले से, जब अल्लाह के हबीब से पूछा साहब ने कि सलाम करना तो आपको आता है, हमें ये आप पर सलवात कैसे पढ़ेंगे?
तो पैगंबर ने सलवात का तरीका बताया, फिर फरमाया वला तो सल्लु अलैया सलातिल बतरा, मुझ पर दुम कटी हुई सलवात ना पढ़ा करो, मुझ पर नाकिस नामुकम्मल सलवात मत पढ़ा करो। क्या मतलब? का इतना कहो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद और आले मोहम्मद छोड़ दो। अगर छोड़ दिया तो सलवात क्यों ही बतरा? इससे पैगंबर ने मना किया वो सलवाते बतरा है। और अब कितने ही बतरा हैं जो सलवाते बतरा पढ़ रहे हैं, कितने ही बानसल हैं जो सलवाते आले मोहम्मद पढ़ रहे हैं। اللهم صل على محمد البتہ کچھ قرآن کی آیتیں ایسی ہیں کہ جو ابھی محتاج تفسیر ہیں ان میں سے یہ آیت بھی شامل ہے، اس کی تفسیر ابھی زمانے پہ ظاہر نہیں ہوئی، ان شانہ کا ہو الابتر۔ بس سمجھانے کے لیے بات کو مکمل کرتا ہوں کہ ابتر کا مطلب ہے کہ بے نسل، بے اولاد، بے نام و نشان۔ تو جو معنی ابتر کے ہوں گے اس کی ضد ہوگی کوثر۔ اب 26 معنی میں سے ہر معنی کو رکھ کے دیکھیے کہ اس کی ضد یہاں پر کام کر رہی ہے معنی میں نہیں کر رہی۔ اگر نہیں کر رہی تو سمجھیے کہ یہ معنی آپ کے بنائے ہوئے ہیں، خدا کے بتائے ہوئے نہیں ہیں۔ اور ابتر میں اگر معنی وہی ہیں کہ جس کو بے نسل بے اولاد کہا جاتا ہے تو کوثر کے معنی نسل ہیں، اولاد ہیں، اور نسل اور اولاد سوائے فاطمہ زہرا کے کسی اور سے کہاں چلے۔ اب جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ آیت محتاج تفسیر ہے، وہ کیوں کہا تھا؟ بس جملہ سن لیجئے، بات تمام کر دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ آس بن وائل ہے تو آس کا بیٹا تو ہے عمرو بن آس، عمرو بن آس کی نسل تو پیدا ہوئی ہے۔ قبلہ آپ لعنت بہت کیجئے لیکن یہ تو ہے۔ خدا کہتا ہے ان شانیہ کا حول ابتر، تمہاری نسل، تمہارے دشمن کی نسل منقطع ہو جائے گی۔ منقطع ہو گئی؟ ہوئی؟ جواب دیجئے، نہیں ہوئی؟ کیا اولاد باقی ہے یا نہیں آس بن وائل کی؟ کیا پیغمبر کا توہین کرنے والے آج باقی ہیں یا نہیں؟ ہیں نا، تو آیت تو مکمل نہیں ہوئی۔ کیوں مکمل نہیں ہوئی؟ کہ یہ آیت محتاج تفسیر ہے۔ جب تک اس کی نسل سے کسی ایک محب آل محمد کا وجود باقی ہے خدا اس کی نسل کو ختم ہونے نہیں دے گا۔ ہاں یہ آیت مکمل ہو جائے گی جب تلوار باطر نیام سے باہر آئے گی۔ جب وہ تلوار باطر نیام سے باہر آ جائے گی، ان نشانیہ کا حول ابتر، پھر کسی کی نسل باقی نہ بچے گی، بس نسل باقی رہے گی جناب سیدہ کی باقی رہے گی۔ اللہم صلی، بس گفتگو تمام آپ کی خدمت میں، اور اس کو بات کو سمیٹتے ہوئے کہ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو آپ کے یہاں پہنچیں گے۔ سورہ کوثر اپنے مسائل کے حل کے لیے، سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کا رہتا ہے کہ وسعت رزق کا مسئلہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، وسعت رزق کے لیے دعائیں بھی ہیں، درود بھی ہے، آیتیں بھی ہیں، سورتیں بھی ہیں، نمازیں بھی، لیکن سب سے پہلے انسان غور کر لے کہ رزق کم ہوا کیوں ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر آپ نیچے والے مکان میں رہتے ہیں، اوپر رہتے ہیں مالک مکان، ٹھیک ہے، یا آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں اور آپ کے واش بیسن میں ٹیپ کے اندر پانی نہیں آ رہا، پانی نہیں آ رہا، مجھے بتائیں ایمانداری سے، آپ پہلے کہاں چیک کرتے ہیں اس کو؟ وہاں چیک کرتے ہیں جہاں بیسن لگا ہوا ہے، جہاں پہ اس کے وال لگے ہوئے ہیں، یا چھت پہ جا کے ٹنکی دیکھتے ہیں؟ پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے چیک کرتے ہیں اس کے وال کو،
वॉल तो ऑफ नहीं हो गया। फिर चेक करते हैं कहीं कोई रुकावट, हमारे कराची का पानी तो ऐसा आता है ना कि मट्टी जमा हो जाती है, तो मुंह बंद हो गया उसका। ये खोला नहीं हो और आप चढ़ जाए टंकी पर कि वहां से पानी बंद हो गया, इतनी मेहनत की आपने, मिसाल समझेंगे मेरी, इतनी मेहनत की, टंकी तो फुल थी, टंकी तो फुल थी, बंदिश कहां पर थी, आपके टैप के पास, तो रिस्क तो वहां से पूरा आ रहा है। प्रॉब्लम कहां है, आपका ही वॉल सलवात पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पड़ा हुआ। अब बताएं, जहमत हो गई ना आपको, अक्ल क्या कहती है, पहले अपने पास से चेक कर लीजिए, फिर जाके ऊपर मखजन को देखिए जहां पानी का खजीना मौजूद है। तो याद रखें, दो रकत नमाज वो सत्य रिस्क की बयान किया करता हो, मगर फिर याद दिला दूं कि पहले इंसान अपने उन गुनाहों की मगफरत पर खुदा से माफी तलब करे, उन गुनाहों पर कि जो इंसान के रिस्क को कम कर देते हैं, उसके बाद दो रकत नमाज पढ़े। ये दो रकत नमाज कैसे पढ़ी जाती है, नियत है नमाज बराए वसअत और रिस्क, दो रकत भजा लाता या भजा लाती हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। और ख़ास तौर से फैमिलीज वाले जो बैठे हुए हैं उनसे इल्तमास है कि ये नमाज अगर हमारी बेटियाँ बहनें पढ़ें तो आपको मालूम है रिस्क औरत के नसीब का है, अगर बेटी पढ़ेगी अगर बहन पढ़ेगी तो उसका असर इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छे अंदाज से होगा। आप भी पढ़िए। रकत अव्वल में अलहम के बाद तीन मरतबा सूरह कौसर, रकत अव्वल में अलहम के बाद तीन मरतबा सूरह अल कौसर, और सेकंड रकत में अलहम के बाद तीन मरतबा सूरह फलक और तीन मरतबा सूरह नास। जुबानी याद ना हो देख के पढ़ सकते हैं, बाकी रुकू सुजूद कुनूत तशहुद सलाम बिल्कुल सुबह की नमाज की तरह पढ़ लीजिए। बस एक फ़र्क यह है कि रकत अव्वल में सूरह कौसर तीन मरतबा है अलहम के बाद, और सेकंड रकत में दो सूरह हैं तीन तीन दफ़ा फलक और नास। कहते नजरें बद लग गई तो सूरह फलक और सूरह नास हमारे हर किस्म के नजरें बद का भी इलाज है, और ख़ास तौर से जब पूछा गया ब्लैक मैजिक के बारे में आगा सिस्तानी से कि इसका इलाज क्या है, फरमाया कुरान मौजूद, इसका इलाज सूरतैन मऊज़तैन पढ़ा करें। ये काला जादू जो भी बुराई है इसका तोड़ काले जादू से नहीं कुरान से तलाश कीजिए। खैर कोई काला इल्म होता नहीं है, इल्म तो हमेशा रोशनी दिया करता है, इल्म को काला कहकर इल्म की तोहीन हो जाती है। मैंने इल्म नहीं कहा, काला जादू तलवार पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मसला नहीं। तो ये बहरहाल हम सबकी शरई जिम्मेदारी है वसअत रिस्क के लिए सूरह कौसर की तिलावत, बेटियों के रिश्तों के लिए सूरह कौसर की तिलावत, घर में बरकत के लिए कौसर खैर कसीर, कौसर वसअत रिस्क, कौसर कसरत औलाद, कौसर। और जब बेटी के लिए रिश्ता अल्लाह से तलब करें तो बेहतरीन वसीला बनाएं जनाब खतीजे ताहिरा के दामाद का वास्ता दें। ए खुदा तूने खतीजे ताहिरा को जैसा दामाद दिया उस दामाद का वास्ता हमारी बच्ची का रिश्ता हसीन भेज दे।